जी इस वक्त हम मौजूद है दादू जिला के एसपी मोड़ पर, और दादू जिला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है, और इस हवाले से यहाँ पर एक नौजवान हमें मिला है जो बोल रहा है कि एक माह से जो है मुसलसल लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ताहल अभी तक कोई भी जो है हमारी इमदादी मदद नहीं की गई। इस हवाले से मजीद दोस्त से जानते हैं कि क्या उनके कहना है। वालेकुम सलाम जी, मैं रुस्तम सोलंगी दादू से बात कर रहा हूँ। बाबा हमें गुजारिश है वजीर आजम मुराद अली शाह से एप्लीकेशन है कि वो सही कहा बात कह रहा है। हमें तो हम नौजवान हैं, हम समझ रहे हैं कि ये 2010 वाली बोर्ड का चक्कर है जो माल खाने के लिए ये कर रहे हैं। ऐसी बात ही नहीं है, वायरस की पता नहीं है हमें। हम मिठड़े मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम कितने गुनाहगार हैं, पर मस्जिद में एक बार तो जाती है ना, जाते हैं। इसलिए हम उन लोगों को गुजारिश है कि जो भी है शहर बंद है या क्या भी है, कुछ भी है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला अभी तक। यकीन करो, हम कुछ भी करते हैं, नौजवान है, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 200-300 ला रहे थे ना घर वाला। ये महीना हो गया है, मुराद अली शाह बोल रहा था अब हम ये मिलेगा, ये 12,000 मिलेंगे, ये मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मिला हमको अभी तक, रुपया भी नहीं मिला। बस हमको पैसे कुछ नहीं चाहिए, बस शहर खुले। ये हमारा उन लोगों के मिनट कर रहे हैं, बाहू बध रहे हैं, वो शहर खोले वो हम रोजी बोजी करें, हमको ये पैसे अपने आप पर रखेंगे, बस इन लोगों का पेट भरा ना तब हमने कमा लिया। बस ये हमको चिचला की यार न मारी, खुदा का वास्ता है, ये चिचला न मारे हमको लोगों को। बस ये शहर खोले, इनका यही शुक्रिया है। बस बीमारी है बलावा, भूख पे तो मर रहे हैं ना, बीमारी भला बीमारी से बच जाएंगे, हूँ नहीं मरेंगे, मरेंगे ना बाबा, कभी तो मरेंगे ना हम, बेशक मरना है, दुनिया छड़नी है हमको, बेशक छड़नी है। यार चिचला के मार रहे हैं, चिचला के पाण मन लगे बस पड़े, मन लगे बस घर में सो रहे हैं, हमको किधर जाए, यहाँ जा पुलिस वाला डंडा, एजेंसी वाला डंडा, बेचर डंडा, डीसी ने क्या दिया है भला यार, पूछो शाहजमान मलकानी है दादू में डीसी, उसने क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। ये 12,000 का जो इमदादी है, कसम कुछ भी नहीं, बेनजीर का कार्ड पहले बेतल माल चल रहा था, बेतल माल हम लोगों को सिंधियों को जट्टे समझ गए, अब बेनजीर कार्ड, वो बेतल माल बंद हो गया, बेनजीर कार्ड हो गया, अब बेनजीर कार्ड बंद हो गया, अब वही गरीबों को नवा नाला रखा है, ये क्या नाला रखा है उसका, ऐसा प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है, ये हमारी मजदूरों का मेहनत का पैसा है, ये सारे खा के फिर जमा करके फिर हमको थोड़ा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो बाकी हो गया खुदकुशी करूं, पर खुदकुशी करना मिठड़े मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि बहुत सख्त गुनाह है, इसलिए मैं नहीं करा, ना इन लोगों ने बाकी कर दिया है मेरे को, खुदा की कसम ऐसे नहीं होता यार, सब लोग गरीब परेशान रहे, बड़ा राशन दे दो, पैसे भी नहीं चाहिए, घर घर में राशन दो, राशन कौन, 1 किलो खंड 20 वाला पूरा पति का, अरे ये तो फिर हम खा रहे हैं ना घर में, भला इतना करो जितना शहर बंद किया उतना तो राशन दे दो ना हमको, कुछ भी नहीं हो रहा, भला इन लोगों को अलाई पूजेगा, कब्र में बहुत कीड़े बिच्छू खाएंगे, खुदा की कसम इन लोगों की मौत बहुत किन्नी होगी, हमारा तजुर्बा है, कुरान शरीफ हम पढ़े लेना, कुरान शरीफ में पूरी दुनिया का जिक्र है, ये लोग किन्ने मरेंगे किन्ने, जो गलती हमारी है ना, वोट वोट एक ना दीन है, दीन वोट दीन है, वोट मश्किरी नहीं, सियासत नहीं, शरे खुदा ने हुकूमत नहीं चलाई गया, नबी साई ने हुकूमत नहीं चलाई गया, इमाम हसन ने हुकूमत नहीं चलाई गया, ये अलाई किधर से आए बाबा, बहुत जलील कर दिया है हमको, खुदा की कसम मरने जैसा कर दिया है, बस ये हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बाहू बद रहा हूँ, शहर खोलन रोजी करूँ ऐसा। जी आपने यहाँ पर दादू के नौजवान की बातें सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हमारे साथ अभी तक कोई भी जो है यहाँ के इंतजामिया के ऑफिसर ने यहाँ पर पहुंचकर कोई तावन नहीं किया, ना ही कोई हमें इमदादी कार्रवाई दी गई, और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि खुदारा हमें सिर्फ शहर खोलने दिया जाए ताकि हम अपने जिंदगी का जो है गुजर सफर कर सके। कैमरामैन टीम के हमराह माजिद अली कुरैशी, C1 News दादू।